अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान सी एक रेसिपी लाए हैं गुड़ वाले चावल। उसके लिए हमें चाहिए एक गिलास हमने चावलों का लिया है, बादाम है, देसी घी है, किशमिश है, सौंफ है और गुड़ है। देखिए ये पानी हमने रख दिया है, चावलों को हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है। और चानी के लिए भी हमने पानी रख दिया हुआ है। ये देखें जी, इसकी हम चानी बनाने लगे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने देसी घी ढाल दिया अब इसमें। सौंफ डालेंगे, किशमिश, ये खोया हमारे पास पड़ा हुआ था ये हमने डाला इसमें। आपके पास हो तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई नहीं। बादाम भी डाल दिए, अब ये इसमें शीरा जाएगा, इसको पोल लें। बस इसको कोई पाँच मिनट आप बॉइल कर लें। ये देखें जी, अब चावल बॉईल किए हुए हमने उसमें डाल दिए हैं। आपने चावल एक कन्नी पे रखना है, जैसे आप रखते हैं बिरयानी के लिए, वैसे एक कन्नी पे आपने चावल रखने हैं। बस इसको अब हम दम पे लगा देंगे। ये देखें जी, गुड़ वाले चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ये गुड़ बिल्कुल नया था इसलिए इसका कलर ये आया, पुराना गुड़ होगा उसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा। बहुत ही मजे के लग रहे हैं, चलें डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मजे के हैं, बहुत ही यम्मी है। बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।